अभी की जो सूरत हाल है, क्या कहा जाए, दूसरे पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बसपा का कोर वोटर है, हमने कहा ना कि वो देख रहा कि संविधान खतरे में है, अब वो बाबा साहब के संविधान को हो सकता है कोई अपना सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानता हो, गीता को, रामायण को, कुरान को, लेकिन इस देश का दलित नहीं, बहुत से न्यायप्रिय लोग हैं जो भारत के संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। और जब खुलेआम बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम 400 सीटें जीतेंगे, और उनके सांसद ने बयान दिया कि हम 400 सीट इसलिए जीतना चाहते हैं कि हम इस संविधान को हटाकर नया संविधान लिख लें, ये संदेश चला गया है सब लोगों को। और मैं नहीं समझता कि आज के इस दौर में भी कोई इतना, कुछ लोग होंगे लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं रह जाएगी जो अपने वोटों को बर्बाद करे। वो या तो नरेंद्र मोदी की उन विफल नीतियों के समर्थन में उनके पक्ष में वोट करेगी, और या नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को सामने रख करके देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए जो लोग नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को हरा रहे होंगे उनके पक्ष में वोट करेगी। ईवीएम पर सर क्या कहेंगे कि ईवीएम का काफी लोगों ने आवाज उठाया? अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दे दिया, सवाल तो बहुत है। जापान ने ईवीएम मशीन बनाई लेकिन जापान में वोट ईवीएम से नहीं पड़ता। देश की आम जनता में हमने भी इस बात पर चर्चा करके लोगों की ओपिनियन ली। हमको देखने में तो गरीब गंवार गांव में रहने वाले आम लोग 90% चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट पड़े, ईवीएम हटा दी जाए, विश्वास उठ चुका है। और लोकतंत्र में जब देश की जनता को विश्वास नहीं है तो चुनाव आयोग को स्वयं इस विषय में अपनी निष्पक्षता के लिए, पारदर्शिता के लिए ऐसा निर्णय लेना चाहिए। अभी ले ले, आगे ले ले, लेकिन एक दिन तो लेना पड़ेगा। ओपी राजभर सर आपके सहपाठी रह चुके, एक दौर था आप कौमी एकता दल के साथ मिले थे और काफी भव्य आप लोग चले, कुछ हद तक संगठन के तहत आप लोगों ने काम किया, लेकिन उनका गमछा वाला एक जो वायरल हो रहा है काफी सुर्खियों में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये गलत है कि वो हमारे सहपाठी रह चुके हैं। हम हमारे सहपाठी नहीं, हमारे सहपाठी मनोज सिन्हा हैं। हम लोगों ने एक साथ हाई स्कूल की परीक्षा एक ही स्कूल में दिया, परीक्षा केंद्र उन्हीं के पूर्वजों के नाम से वो विद्यालय है, श्री नरसिंह इंटर कॉलेज। उस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री मनोज सिन्हा के जी के ही पिता थे, तो उसी विद्यालय में मेरे स्कूल डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र भी वहीं था, और वो अपने पिताजी के स्कूल के छात्र थे। तो एक साथ हम लोग सहपाठी कहे जा, वो भी एक क्लास में नहीं पढ़े हैं, एक स्कूल में एग्जाम दिया है हाई स्कूल का, 1969 का जो बैच था। इसीलिए मोहब्बत में कहें, अभाव में कहें कि उनसे बड़ा तो बाहुबली मैं हूँ, बड़े मंचों पर कहते हुए नहीं थकते ओम प्रकाश राजभर आपका नाम लेते हुए। हमने कहा ना कि वो मेरे सहपाठी नहीं है। हाँ, हम सफर रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय समाज पार्टी और कौमी एकता दल ने आपसी सहमति से एक गठबंधन के तहत 2012 में, 2014 में, 10 में गठन हुआ था कौमी एकता दल का, 2012 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। जिस तरह केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है देश प्रदेश में, और जिस तरह वो सरकार आपके परिवार को झकझोर कर रख दिया, पूरा दुनिया ने देखा, इस पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इस पर कोर्ट में जो मामले हैं उस पर क्या टीका टिप्पणी किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया को ये देखने को मिल रहा कि डॉक्टर एम ए अंसारी के परिवार को आज किस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार योजनाबद्ध ढंग से डैमेज कर रही है। वो परिवार जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में, आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो परिवार जिसने आज़ादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों में ब्रिगेडियर उस्मान साहब हैं, और ब्रिगेडियर उस्मान साहब तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कायदे आज़म ने
कि उस्मान साहब आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो तो हम पाकिस्तान का पहला सेनाध्यक्ष बना देंगे। लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठोकर मार दिया और कहा मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ और मर के भी हिंदुस्तान में ही दफन होना पसंद करूँगा। उन्हीं दिनों जब 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तब 22 दिसंबर को कबायलियों की भेस में और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया। राजा हरि सिंह जो कश्मीर रियासत के राजा थे वो भाग के, जब उनके स्थिति काबू के बाहर हुई तो वो भाग के दिल्ली आए थे और यहाँ हमारे वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत की सेना भेजिए कश्मीर बचाने के लिए। मैं इस दस्तावेज पर दस्तखत करता हूँ कि अब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। और जो दस्तावेज दस्तखत हुए उसके बाद पहली भारतीय सेना जो कश्मीर बचाने के लिए भेजी गई वो ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भेजी गई, जो कश्मीर गए जहाँ झांगर घाटी पर कब्जा हो चुका था पाकिस्तानियों का, नौशेरा घाटी पर हमला हो चुका था कश्मीरियों का, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने अदम साहस का परिचय दिया। उनकी पलटन ने पाकिस्तानियों का मुकाबला किया और इस मुकाबले में फिर से झांगर घाटी, नौशेरा घाटी भारत के अंग बनाई गई, हिस्सा बनाई गई। और इसी लड़ाई में 3 जुलाई 1948 को हमारे वो जाबाज पूर्वज अपने वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। हम उस परिवार के वंशज हैं और हमको जिस तरह से ये सरकार ट्रीट कर रही है, हमारे घर की महिलाओं पर भी मुकदमा, हम अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत में तो डॉक्टर अंसारी की बेटी, गोद ली हुई बेटी जोहरा बेगम तक को जेल भेजा गया था, तो हमारे परिवार की महिलाओं को और हमारे घर को अंग्रेजी हुकूमत ने तो रौंदा था, हमारे पूर्वजों को जेल में डाला था, ये तो एक इतिहास का सत्य है। लेकिन एक तरफ देश विरोधी ताकतों ने भी इस परिवार के साथ अपनी क्षमता भर जुल्म और अत्याचार किया, तो वो तो सहा गया कि हम देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने सहा। लेकिन आज जो हो रहा है नकली राजभक्तों ने असली देशभक्तों के खिलाफ जैसा अभियान चला रखा है, बच्चों को जेल में डाल दिया, मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया, मुझे आनन फानन में खड़ियंत करके हमारी सजा करा दी। उस सजा के अगेंस्ट हम हाईकोर्ट गए, कानून के रास्ते थे, क्योंकि हम लोग संविधान और कानून के मानने वाले हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी अपील सुनवाई के लिए मंजूर की और मुझे जमानत दिया। चूंकि मेरी सजा 4 साल की थी इसलिए नियमों के अनुसार मैं संसद सदस्य के पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था उस निर्णय के आने के बाद। लेकिन उस निर्णय को जब हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश पारित हुआ उसके अनुसार गाजीपुर न्यायालय से अफजाल अंसारी के सजा के आदेश को सस्पेंड कर दिया गया मेरी अपील के निस्तारण तक के लिए। और इस प्रकार लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मुझे फिर अपने संसद सदस्य के पद पर पदस्थापित किया गया और चुनाव आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन दिया, ये आदेश दिया कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने योग्य हैं, इनको चुनाव लड़ने से नहीं तो अब परेशान है लोग यहाँ। अब इन्होंने जो कार्य कर दिया, जो हमारी लड़ाई कोर्ट में लड़नी थी हमने लड़ लिया, अब तो जनता की अदालत में लड़ाई लड़ना है। क्या लग रहा सर, जिस तरह जनता आपके साथ मोहब्बत जताई है, आप जाइए भक्तों को छोड़कर किसी से भी मिल लीजिए, अंध भक्तों को छोड़कर किसी से भी मिलिए, किसी बस्ती में, गरीब गुरबा की बस्ती हो, दबे कुचलों की बस्ती हो, किसानों की बस्ती हो, किसी भी न्यूट्रल आदमी से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे परिवार के इतिहास को, मेरे कैरेक्टर को और 45 साल के राजनीतिक बेदाग जीवन को देख के गाजीपुर में इतना जनसमर्थन आज तक मेरे पक्ष में कभी नहीं था जितना जनसमर्थन इस बार दिख रहा है।
और जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा कोई भी चुनाव लड़ने आए। और यही वजह है कि भाजपा भी घबरा रही है, कभी किसी के चेहरे पे, कभी किसी के चेहरे पे, कभी किसी के चेहरे की चर्चा करके उस पर जब अपनी छानबीन जांच और सर्वे कराती है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। बुलडोजर की नीति, बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर नीति गाजीपुर में पूरी तरह फेल रही है। ये समाजवादियों का जिला है, अब बाबा की बुलडोजर नीति की हम विपक्षियों को रौंद देंगे, इसका समर्थन नहीं किया। अभी जो विधानसभा का चुनाव साल भर पहले हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट गाजीपुर से हार के गई है। अब अहंकार है जो सत्ता में होता है, अगर संभला नहीं तो उसके अंदर अगर अहंकार जन्म ले लिया तो अहंकार ही उसके विनाश का, उसकी सत्ता के विनाश का कारण बनता है, मेरा ऐसा मानना है। और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, NDA या नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन निश्चित है।